iPhone 15 सीरीज़ बहुत ही जल्दी देखने के लिए मिलने वाली हम लोगों को, तो हर बार की तरह काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं लोग। एक्साइटमेंट के चक्कर में लोग काफ़ी सारी अफवाहों पर बिलीव करते हैं। और गाइस, हर बार की तरह जो भी स्पेसिफिकेशन लीक हुए हैं वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, और उसमें से मैं जो बताता हूँ ना वो मैक्सिमम समझो आप कन्फर्म ही रहते हैं उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होने वाले। चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं iPhone 15 सीरीज़ की बनावट की। गाइज, इस बार डिज़ाइन में भी थोड़ा बहुत चेंज करा गया है कि पिछली बार जो आपको ग्लास फिनिश, ग्लोसी फिनिश मिलती थी आईफोन के बैक में, वहाँ पर अब मैट फिनिश आपको देखने के लिए मिल सकती है। और आईफोन को हाथ में लेते से उसका एक अलग फील है, बट इस बार जो उसकी फील है हल्की सी आपको चेंज देखने के लिए मिलेगी। डेफिनेटली एक तो ये मैट फिनिश यूज़ कर रहे हैं, ऊपर से आपको जो डिस्प्ले हल्की सी कर्व होगी, आप बिल्कुल बॉक्स डिज़ाइन में नहीं आएगा ये। इसके थोड़े से ज़्यादा चांस मेरे को लग रहे हैं कि इस बार टाइटेनियम की फ्रेम यूज़ हो सकती है आईफोन में, जो कि डेफिनेटली भाई फील को एकदम नेक्स्ट लेवल ले जाएगा। तो ये चीज़ भी देखने को मिल सकती है हम लोगों को। और गाइस, पिछली बार जब आईफोन लॉन्च हुआ था उन्होंने सिर्फ उनके जो प्रो मॉडल्स है उनमें ही उन्होंने डायनेमिक आइलैंड को ऐड करा था, बट इस बार गाइस मेरे को लगता है कि इस बार इनके जो नॉन प्रो मॉडल्स होंगे यानी चारों ही आईफोन में आपको डायनेमिक आइलैंड देखने को मिलेगा और अच्छी ऑप्टिमाइजेशन के साथ में। तो हाँ, तो बेजललेस एक्सपीरियंस के लिए आपको डेफिनेटली 1 लाख नहीं खर्चने पड़ेंगे। तो गाइस, पिछली बार 48 मेगापिक्सल का कैमरा अपग्रेड किया गया था, तो इस बार भी 48 मेगापिक्सल ही रहने वाला है मेरे हिसाब से, बट उनमें थोड़ी और अच्छे से तरीके से ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगी और थोड़े बहुत चांसेस है कि टेलीफोटो लेंस भी इसमें इंक्लूड कर दिया जाए, क्योंकि 3x 2x तो ठीक ही आईफोन के लिए, बट दूर तक की फ़ोटो लेने के लिए कर सकते हैं अपग्रेड, क्योंकि इन्हें सैमसंग को भी तो बीट करना पड़ेगा। और दोस्तों, आईफोन के लिए अगर बताऊँ सबसे बड़ा चेंज जो इनके लिए होने वाला है वो इसका टाइप सी चार्जर। इतने टाइम से भाई हम लाइटनिंग पोर्ट यूज़ करते आ रहे थे भाई, उसकी एक कैपेसिटी थी कि उससे फास्ट चार्ज कर ही नहीं सकता। यूरोपियन कंपनी ने भी आईफोन को फोर्स करा था, आईफोन की कंपनी को, कि ये लाइटनिंग पोर्ट को हटा दे और टाइप सी इसे यूनिवर्सल कर दे। तो फर्स्ट टाइम टाइप सी दे रहे हैं, तो इनके जो नॉन प्रो मॉडल्स हैं उनमें आपको थोड़ी स्लो चार्जिंग मिलेगी, बट जो प्रो मॉडल्स हैं उनमें आपको थोड़ी तेज़ चार्जिंग देखने के लिए मिलेगी ज़रूर से, ये मेरे को लगता है। बट और ये जो न्यूज़ है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सूत्रों से आ रही है कि डेफिनेट, थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बता देता हूँ एप्पल कंपनी की। मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो चार्जर देंगे उससे ही ये अच्छी तरीके से चार्ज होगा। अगर एप्पल वाले जो केबल देंगे ना उससे ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा, मेरे को ऐसा लग रहा है, पर देखते हैं अब क्या होता है। और गाइस, ये जो थंडर वॉट चार्जिंग होने वाली है डेफिनेटली इनके प्रो मॉडल्स में आएगी, जैसे कि मैंने आपको बताया लीक्स है, हो सकता है चारों में आ जाए और हो सकता है चारों में ही नहीं आए। जो दो प्रो मॉडल्स होने वाले आईफोन 15 और आईफोन 15 प्रो मैक्स, इन दोनों में आपको बायोनिक की A17 चिप देखने के लिए मिलेगी, जो कि डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फास्ट होने वाली है। और जो नॉन प्रो मॉडल्स हैं ना दोनों, उनमें मेरे हिसाब से वही पुराना बायोनिक A16 चिप देखने को मिलेगी। गाइस, रैम की बात करूँ तो वही 6 से 8 GB के बीच में ही रहेगी। गाइस, मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना कि इनका जो एप्पल का इवेंट होगा उसकी मैं लाइव स्ट्रीम करूँ कि नहीं, कमेंट करना, देखते हैं। एंड गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।